हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंटरप्रिटेशन का पेपर है, जो कि BLLB का है, सेकंड ईयर का पेपर है। देख लेते हैं, सेवंथ पेपर है। आज का पेपर बहुत ही थ्योरेटिकल था, और क्रिटिकल तो नहीं बोलेंगे पर थ्योरेटिकल था, लॉजिक बेस पे एग्जाम था पूरा का पूरा। बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ आपकी आंसर की देखना दी जा रही है। इसमें अगर कोई आपको डाउट लगता है तो वो हमें कमेंट करके मेंशन करेंगे कि सर ये डाउट है, देन उसका रिसोल्यूशन हम आपको दे देंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर वो सी है। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सॉरी ए नहीं होगा, इसमें ए नहीं होगा, एक ही जगह बी है इसका आंसर। ओके, बी है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका सी है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है लिटरल रूल, यानी कि बी है। ओके, सिक्स क्वेश्चन का आंसर है ए। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है ए। एंड सेवन क्वेश्चन का आंसर है बी। एट्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। ओके, एट्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है डी। ओके, टेंथ की बात करेंगे, टेंथ का आंसर है सी। टेंथ का आंसर है सी। ओके, और आप देखेंगे इलेवंथ, इलेवंथ का जो है वो है सी। ओके, ट्वेल्थ का देखेंगे, ट्वेल्थ का है डी। थर्टीन, थर्टीन का देखेंगे आप आंसर, तो थर्टीन का है आपका ए। थर्टीन का है ए। फोर्टीन का है बी। फिफ्टीन, फिफ्टीन का आप देखेंगे 97, यानी कि ए। 16 आप देखेंगे तो प्रेमल होगा, यानी कि प्रस्तावना होती है। 17 का आप देखेंगे तो 17 का है, देखिए बी एंड डी में डाउट है, एक तो ये एंड ये। आप डाउट क्लियर करिएगा, जो आंसर हो उसको कमेंट करिएगा, देन उसे चेक किया जाएगा, बी एंड डी में डाउट है। 18 का देखेंगे, 18 का आपका जो आंसर है वो है बी। ओके, 19, 19 का अगर देखेंगे तो वो है स्टेट लिस्ट। 20 का अगर आप देखेंगे तो 368। ओके, 21 का होगा 7। 22 देखेंगे, 22 का होगा ए। ओके, 23, 23 का होगा सी। 24 डी। 25, 25 ड्रॉप किया है, 26 भी ड्रॉप किया है। 27 देखेंगे, 27 का सी। 28 का सी। 29, 29 का बी। 30, 30 ड्रॉप किया है। 31 को देखेंगे सी। 32 सी। 33 बी। 34 सी। 35 डी। 36 सी। 36 सी। 37 ड्रॉप। 38 ड्रॉप। 39 डी। ओके, 40, 40 क्रिमिनल लॉज। 41 ए। 42 डी। 43 ए। 44 सी। 45 सी। 46 बी। 47 ए। 48 बी। 49 बी। 50, 50 का सी। 51 डी। 52 ए। 53 ड्रॉप। 54 देख लेंगे, 54 का सी। 55 डी। 56 सी। 57 का आप देखेंगे, 57 का है आपका डी। 58, 58 को आप डालेंगे सी। 59 डी। 60, 60 का ए। 61 बी। 62 डी। 63 डी। 64 सी। 65 बी।
66 ए, 67 सी, 68 जो है आपका डी, 69 सी, 70 सी, 71 डी, 72 डी, 73 सी, 74 ए, 75 सी, 76। देखो ये तीनों क्वेश्चन डाउट में है, वैसे इसमें मैंने लगाया है, देखिए 76 भी डाउट है, इसका सी लगाया है, देन यहाँ पर इसका डी और इसका भी आपका ए। देखें ये तीनों ही क्वेश्चन डाउट हैं, 76, 77 एंड 78। चलिए 79 ए, 80 सी, 79 ए हो गया, 80 सी, 80 का सी, 81 ए, 82 सी, 83 ए, 84 ए, 85 ए, 86 बी, 87 बी, सी 87 सी, 88 ए, 89 सी, 90 ए, 91 डी, 92 ए, 93 ड्रॉप, 94 ए, 95 डी, 96 डी, 95 हो गया डी, 96 ए, 97 ए, 98 सी, 99। देखिए कनाडा का भी था, बाद में भारत ने एक्सेप्ट किया था, ये लिखा है तत्व और सार सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत जो कनाडा का संवैधानिक सिद्धांत व्याख्या थी, जो कि बाद में भारत ने इसे लागू किया था। तो इसमें ए और बी आप दोनों लेंगे, सी देखेंगे, अब 100 देखेंगे, 100 का है होमोजीन हारमोनियस सी। तो ये थे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में थे अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको 75 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, 25 क्वेश्चन मैंने आप छूट गए होंगे या ड्रॉप किए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर आप मैच करिए, कितना स्कोर है वो भी कमेंट करिए, और अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी कमेंट करिए, देन उसका भी बट आप जो कमेंट करेंगे वो कंटेंट के साथ करेंगे, क्योंकि सर ये है इसमें मिस्टेक, तो वो हम उसे रिसोल्व कर लेंगे आपके इशू को। देन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत ही खुश है।